वेरी गुड गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे यस्टरडे इन बायोलॉजी वी वर टॉकिंग अबाउट द मस्कुलर टिश्यू बेसिकली आज हम जो है उसके टाइप्स को पढ़ेंगे एंड यू कैन सी हियर अबाउट द स्मूथ मसल्स स्केलेटल और स्ट्रेटेड मसल कार्डियक और हार्ट मसल ओके फर्स्ट वन इज स्मूथ मसल स्मूथ मसल्स के बारे में हम पढ़ेंगे थ्री टाइप्स होते हैं बच्चा और बेसिकली तीनों टाइप को पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद हम कनेक्टिव टिश्यू पे आएंगे ओके कुछ क्वेश्चंस भी बीच में हम सॉल्व करेंगे तो स्मूथ मसल्स क्या होते हैं मस्कुलर टिश्यू में वो हम देखेंगे डेफिनेटली यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि डिजाइंड फॉर स्लो सस्टेंड इन वॉलन्ट्री ठीक है स्लो सस्टेंड इन वॉलन्ट्री कंट्रैक्शंस के लिए ये स्मूथ मसल्स का यूज होता है मतलब सिकुड़न के लिए बेसिकली ये नॉट हाईली लेवल बट ऑन द स्लोली ओके इट कॉन्ट्रैक्ट्स इट स्मूथ मसल सेल्स आर स्पिंडल शिफ्ट और ये हमने स्पिंडल शिफ्ट बताया था आपको स्पिंडल शिफ्ट में स्मूथ uh, मसल्स होते हैं जैसे टैपर्ड दोनों तरफ से ये क्या होते हैं टैपर्ड होते हैं बोथ एंड पे आपको हम बताए थे क्लास में बोर्ड पे स्पिंडल शेप हमने बनाया था आप देखे होंगे आप अपने क्लास एट वाली नोट में देखेंगे ओके अ सिंगल ओवल न्यूक्लियस इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल अब क्या होता है कि एक सिंगल ओवल न्यूक्लियस ओवल होता है न्यूक्लियस सेंटर सेल के सेंटर में क्या होता है केंद्र में ये स्थापित होता है स्मूथ मसल इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन विसरल ऑर्गन विसरल ऑर्गन उसे कहते हैं जो कि इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी होते हैं इंटरनल पार्ट्स ठीक है इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जस्ट लाइक इंटस्टाइन जो आँख वगैरह होती हैं द वॉल्स ऑफ आर्टरीज ठीक है यूटरस यूरिनरी ब्लैडर आयरिस सीलियरी बॉडीज ठीक है ये आप जानते हैं ये सब इंटरनल ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के ये वहाँ पर स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं ठीक है स्मूथ मसल्स इज़ मोस्ट कॉमनली फाउंड इन विसरल ऑर्गन द नॉन स्ट्रिएटेड मसल आर ऑल्सो फाउंड इन द वॉल ऑफ होलो विस्रा कह रहे हैं कि जो नॉन स्ट्रिएटेड मसल होते हैं वो भी पाए जाते हैं होलो विसेरा के अंदर ठीक है वॉल ऑफ होलो विसेरा ओके तो ये रहा स्मूथ मसल्स ओके नाउ सेकेंड पॉइंट इज स्केलेटल स्ट्रेटेड मसल ओके स्केलेटल स्ट्रेटेड मसल आइए देखते हैं दीज मसल्स फॉर्म्स एट्टी परसेंट और मोर ऑफ मास ऑफ सॉफ्ट टिश्यू आई होप क्लास नाइन्थ ईच वन ऑफ यू कुड अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स ओके ऑल द पॉइंट्स आप समझने का प्रयास करें और जो भी डाउट है डेफिनेटली आप पूछें कई बच्चों का कमेंट वगैरह भी आता है आ, शो करता है हमारे पे जैसे आराध्या करिश्मा आकृति पटेल एंड शिवम सिंह खुशी ये बहुत ये अच्छा लगता है कि बच्चे जो हैं जागरूक हैं कम से कम करिश्मा एंड ऑल ठीक है बच्चों का और फॉर एग्जाम अभी कुछ बच्चों का अभी तक हमको लग रहा है कि कमेंट आया नहीं है जैसे हमारे जो है सोनू हो गए पीछे से नाजिर ठीक है इन बच्चों का आदित्य का भी आता है तो बेसिकली आप लोग ध्यान दीजिए और जहाँ पे कोई डाउट हो वहाँ आप लोग जो है पूछ लिया करें ओके आगे हम पढ़ते हैं स्केलेटल स्टेटेड मसल आई होप कि आप लोग घर में बैठ कर के पढ़ाई कर रहे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे और चलिए एक क्लास की तरह आप लोग इमेजिन करिए और जस्ट लाइक like हम लोग इसको पढ़ाई करेंगे ओके बेसिकली थोड़ा सा सोर्सेस की कमी है बट हम उस सोर्स source, सोर्सेस की कमी को कमी नहीं समझते हैं उसमें भी हम जो है अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे और आप अपना बेस्ट करिए ओके चलिए देखते हैं स्केलेटल स्ट्रेटेड मसल दिस मसल फॉर्म्स एट्टी परसेंटिज और मोर ऑफ मास ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इन वर्टिब्रेट बॉडी एसोसिएटेड विथ वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस क्या होता है दिस मसल्स फॉर्म्स एट्टी परसेंट और मोर ऑफ मास ऑफ सॉफ्ट टिश्यू सॉफ्ट टिश्यू के जो मास होते हैं या फिर जो है एट्टी परसेंट जो होता है ये सॉफ्ट मास ऑफ़ सॉफ्ट टिश्यू इन वर्टिब्रेट बॉडी वर्टिब्रेट बॉडी मतलब जिनमें आपकी रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं एसोसिएटेड विथ वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ठीक है और इसमें क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन की जो क्षमता है वो ज़्यादा होती है कंटेंस सिलेंड्रिकल सेल्स विथ मेनी न्यूक्लियाई पर सेल्स एंड अरेंज इन बंडल्स क्या करता है कि ये बहुत सारे जो है ये सिलेंड्रिकल सेल्स कंटेंट करता है जिसमें कि न्यूक्लियाई प्रत्येक सेल पे अरेंज किए जाते हैं एक बंडल में एक बंडल है सपोज दैट दिस इज ए बंडल इसमें सिलेंड्रिकल शेप में क्या होते हैं सेल्स को अरेंज किए जाते हैं ओके okay? और ये लार्ज अमाउंट में होते हैं इट इज प्रेजेंट इन द पेरिफेरल बाउंड्री ऑफ द बॉडी ठीक है बाउंड्री के सॉरी uh, बॉडी के बाउंड्री पे ये क्या होते हैं ये क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं इट ऑल्सो ओकर्स इन द टंग ठीक है फ्स एंड बिगनिंग ऑफ ऑइसोफेगस ठीक है ये आपके आ, टंग फैरिंग्स और के बिगनिंग में होते हैं क्या स्केलेटल स्ट्रेटेड ओके नाउ कार्डियक हार्ट मसल ओके कार्डियक हार्ट इज स्ट्रेटेड लाइक स्केलेटल मसल टिश्यू ठीक है स्केलेटल मसल टिश्यू है बट इच सेल कंटेन्स ओनली वन न्यूक्लियस लेकिन प्रत्येक प्रत्येक जो कोशिका होती हैं एक ही न्यूक्लियस कंटेन करती हैं उनके पास एक ही न्यूक्लियस होता है अब देखिए कार्डियक मसल इज रेस्ट्रिक्टेड टू हार्ट मसल ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल्स क्या कह रहा है कि कार्डियक मसल इज रेस्ट्रिक्टेड टू हार्ट मसल ऑफ वोटिब्रेट एनिमल्स ठीक है इसके जो वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं वो कार्डियल कार्डियक मसल उसमें क्या करता है रेस्ट्रिक्ट होता है किसके, किसके प्रति हार्ट मसल्स वोटिब्रेट एनिमल्स के प्रति ओके हार्ट मसल के प्रति ठीक है जो कि वर्टिब्रेट एनिमल्स में होते हैं द मसल सेल्स आर इंटरकनेक्टेड बाई स्पेश इंटरकैलेटेड डिस्क क्या कहते हैं जो मसल सेल्स होते हैं जो इंटरकनेक्टेड होते हैं स्पेशलाइज स्ट्रक्चर से ठीक है विशेष एक संरचना से ये जो मसल सेल्स होते हैं एक दूसरे से आंतरिक इनका जुड़ाव होता है उसको हम कहते हैं इंटरकैल इंटरकैलेटेड डिस्क ये क्या कहते हैं बच्चा इसको इंटरकैलेटेड डिस्क ठीक है यू कैन सी हियर अब देखिए ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इलस्ट्रेशन सिक्सटीन वी विल डिस्कस इट राइट डाउन द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्डिया मसल सोल्यूशन देखेंगे दे आर द ओनली स्ट्रेटेड मसल विच नेवर अंडरगो फैटिक ठीक है विच नेवर अंडरगो फैटिक राइट डाउन द स्पेसिफिक इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर लिखना है कार्डियाक मसल का तो इनका यही होगा इसका आंसर कि जो आ, दे आर द ओनली स्ट्रिएटेड मसल जो कि फैटिक के अंडर नहीं जाते हैं ठीक है विच नेवर अंडर गो फैटिक नाउ नावलिस्टेशन सेवनटीन वट इज द फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वट इज द फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन बॉडी ठीक है जो मस्कुलर टिश्यू का काम होता है बच्चा एक शरीर में वो क्या करता है मूवमेंट का काम करता है आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है ये बॉडी में मूवमेंट का काम करता है क्या मस्कुलर टिश्यू ये इसका फंक्शन है ओके नाउ आई होप कि आप लोग ये समझ में आया होगा आपको मस्कुलर टिश्यू के तीन पार्ट होते हैं स्मूथ मसल्स ठीक है आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में स्केलेटल स्ट्रेटेड मसल कार्डियाक हार्ट मसल ठीक है ये तीनों पॉइंट को आप नोट कर लेंगे उसके बाद ये आपका इलस्ट्रेशन सिक्सटीन अंड सेवनटीन है इसको भी आप नोट कर लीजिएगा ठीक है और इसमें से जो डाउट होगा आप क्लियर करिएगा ओके आप हमसे पूछिएगा कमेंट करिएगा हम डेफिनेटली हम बताएंगे और वी विल डिस्कस नाउ अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू ओके देखिए कनेक्टिव टिश्यू कहता क्या है पॉइंट uh, नंबर हमारा सी है ठीक okay. है द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर सेपरेटेड बाय नॉन लिविंग मटेरियल ओके जो कनेक्टिव टिश्यूज के सेल्स होते हैं कोशिकाएं होती हैं वो नॉन लिविंग मटेरियल से क्या होती हैं सेपरेट होती हैं सेपरेटेड होती हैं ठीक है कनेक्टिव टिश्यू बाइंड्स एंड सपोर्ट्स बॉडी पार्ट्स कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं जितने भी बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनको बांध के रखती हैं ठीक है बाइंड करके रखती हैं ठीक है और सपोर्ट करती हैं बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट्स फिल्स स्पेसेस स्टोर्स फैट और स्टोर्स फैट का मतलब क्या हुआ एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए फैट हमारे शरीर में बेहद ज़रूरी है ओके नाउ एंड ट्रांसपोर्ट्स मटेरियल्स क्या कहता है यहाँ पे द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर सेपरेटेड बाय नॉन लिविंग मटेरियल कनेक्टिव टिश्यू बाइंड्स एंड सपोर्ट्स बॉडी पार्ट्स ठीक है बॉडी पार्ट्स को सपोर्ट्स करता है उसको प्रोटेक्ट करता है और जितने भी उसमें स्पेसेस होते हैं उसको फिल करता है फैट्स को स्टोर करता है और मटेरियल्स को क्या करता है ट्रांसपोर्ट करता है ट्रांस मटेरियल्स मीन्स वॉट स्लाइवा एंजाइम्स विटामिन ठीक है ये सारे कुछ जो होते हैं ये आपको क्या करता है ट्रांसपोर्ट करता है कनेक्टिव टिश्यू ओके अब इसमें पहला पॉइंट हमारा है एरोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू टिश्यू ओके एरोलर लूज कनेक्टिव टूरो होता क्या है चलिए देखते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड इन द स्किन एंड इन मोस्ट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ और वाटरब्रेड्स ठीक है वाटरब्रेड जिनके पास रेड की हड्डियां होती हैं ठीक है आप देख सकते हैं उनके स्किन में ये लूज कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है ठीक है जो कि इंटरनल ऑर्गन्स होता है इंटरनल ऑर्गन्स में पाया जाता है वेयर इट अलाउज कहता है वेयर इट अलाउज द ऑर्गन्स टू एक्सपैंड ऑर्गन्स को क्या करता है ये एक्सपैंड करने में अलाउ करता है क्या ए रोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू ओके एंड उसके बाद कहता है इट ऑल्सो फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ सॉरी फॉर मसल्स प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ मसल्स ठीक है ये एरोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है जो मसल्स का कवरिंग एक बना देता है एक, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देता है मसल्स के लिए जैसे ब्लड वेसल्स के लिए एंड नर्वस के लिए इट फॉर्म्स अ मैट्रिक्स दैट सराउंड्स एंड सपोर्ट्स अ वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग एपिथेलियल मेंब्रेंस ब्लड वेसल्स एंड नर्वस ठीक है एपिथेलियल मेंब्रेंस ब्लड वेसल्स एंड नर्वस का जो है एक इसको सपोर्ट uh, करने के लिए एक वैरायटी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर uh, uh, तैयार करता है ठीक है इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन का ये आंतरिक भाग होता है इंटीग्रल पार्ट होता है ठीक है सिचुएटेड जस्ट बीनीथ द लेयर ऑफ कोलमर एपिथिलियम इन द विली विली में ठीक है जस्ट उसके ठीक नीचे कोलनर एपिथेलियम के ठीक नीचे विली में ये पाया जाता है सिचुएटेड होता है ठीक है ये स्थित होता है एंड इट लाइज बिटवीन द ए स्किन एंड अंडरलाइन मसल्स अंडरलाइन जो मसल्स होते हैं उसके जो निचले सतह होता है उस पर और स्किन के निचले सतह पे ये पाया जाता है क्लियर है आई बात समझ में बच्चा एंटीग्यूमेंट स्किन एंड अंडरलाइन मसल्स ओके नाउ हम देखते हैं आप यहां देखेंगे एरोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू देखिए ये हमारा आ, फाइबर्स हैं कुछ आप देखिए फाइब्रोब्लास्ट न्यूक्लियाई ठीक है इलास्टिक फाइबर्स ये इलास्टिक फाइबर्स हैं क्या करते हैं ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक टिश्यू में ठीक है एक टिश्यू में ये फाइबर्स इसलिए होते हैं ताकि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होती रहे हमारे सेल्स में ओके अब यहाँ देखिए कोलाजन फाइबर्स हैं ये ठीक है ये कोलेजन फाइबर्स हैं हमारे ओके एरोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू ओके चलिए आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा और कल हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे ठीक है टमोरो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू फिलहाल आप लोग जितना आज पढ़ाया गया है उतना आप नोट बनाइए और उसको एक एक पॉइंट को आप आ, लिखेंगे और ध्यान देंगे ठीक है और जो भी उसमें आपको समझ में नहीं आया होगा आप प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें आ, कमेंट करें क्वेश्चन पूछिए डेफिनेटली यू विल गेट योर आंसर्स एज सुन एज पॉसिबल ओके नाउ इन टूडेज क्लास दैट्स ऑल ओके थैंक यू